कैमूर से खबर है, जहां सीएनजी ऑटो रिक्शा और बोलेरो की जोरदार टक्कर में एक अधिवक्ता की मौत हो गई और 4 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को गंभीर अवस्था में वाराणसी रेफर किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भभुआ कचहरी के पास घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें समझाने में जुटी। कुछ समय पूर्व भभुआ मोहनिया मुख्य मार्ग पे एक सीएनजी ऑटो और एक ई रिक्शा और बोलेरो में एक दुर्घटना हो गया था आपस में टकरा कर। हम लोग लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं, जो भी इसमें जहां कहीं भी कोई भी रूल वायलेट किया था हम तत्काल उसे फाइन भी कर रहे हैं। रोज़ हम लोग जो भी वायलेशन किया जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट में, जो भी अधिनियम में जो भी प्रावधान है, जो भी समन की राशि, हम लोग लगातार उस पर विशेष अभियान चलाकर हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं, वाहन फाइन भी कर रहे हैं और जो अन्य जो बिंदु भी हम लोग कदम उस पर उठा रहे हैं। विशेष तौर से सीएनजी पर ही लोग का इस प्रकार का आरोप लगा नहीं, सीएनजी ऑटो जो है जहाँ तक मेरे नॉलेज में है सीएनजी ऑटो बहुत कम ही संख्या में, मेनली जो रेलवे स्टेशन से और भभुआ मोहनिया के बीच ही में ही चलता है, तो उनको लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं है। मैंने ई रिक्शा को लेकर है, हम लोग लगातार और विशेष अभियान चलाएंगे ताकि ई रिक्शा जो अनकंट्रोल तरीके से चला रहे हैं, रेकलेस तरीके से, लापरवाह तरीके से, हम लोग उसको जल्दी ही उस पर और भी हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे और प्रशासन द्वारा जो भी कोशिश किया जाएगा हम तुरंत उसको करेंगे और विशेष अभियान चलाकर हम लोग उस पर जो भी इसमें भी क्या कहते हैं फाइन की राशि हम लोग वसूल, इसके अलावा और भी कोई कदम से संभव है तो हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन इनका जो मांग है वो पूरा कर दिया गया तो अनावश्यक जाम इनके द्वारा लगाया जा रहा है, तो फिर भी अनुरोध करते हैं कि ये लोग जाम हटा दें। ठीक, धन्यवाद।